नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट के बारे में, जिसका नाम है पत्ता बहार। यही नाम मुझे नर्सरी वाले ने बताया था जब मैं इसे लेकर आई थी, और लगभग 1 साल हो गए इसको। मेरे पास एक ही पौधा था जब ये, एक में से मैंने दो बास्केट में लगा दिया और दोनों में बहुत अच्छे से ये चल रहा है तब से। और बहुत सारी देखिए, इसमें इतनी ब्रांच निकली हैं नई नई, बहुत ही सुंदर है ये। इसमें ऐसे चारों तरफ से ये इस तरह की ब्रांच निकलती हैं जो इस तरह से लटकी रहती हैं, और उनमें एक एक पौधा नीचे की तरफ बना रहता है। आप चाहें तो इनको अलग करके भी नए पौधे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इससे नए पौधे बनाना। अब जैसे इसमें से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं उनको हम अलग अलग लगा दें तो उतने ही हमारे पौधे बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये पौधा। आपको कहीं भी इस तरह का पौधा दिखे तो आप ला सकते हैं इसको। बिल्कुल बिना केयर के चलने वाला ये पौधा है। सिंपल मिट्टी में लगा हुआ है, ना ही मैंने इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी बनाई है। बिल्कुल सादा मिट्टी में मैंने इसको लगाया है, और कभी कभी जैसे आप पानी भी देना मैं इसको भूल जाती हूँ, बिल्कुल सूख जाती है इसकी मिट्टी। उसके बावजूद भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई कई दिन तक बिना पानी के ऐसे ही बढ़िया चलता रहता है। और ना ही इसको मैंने कोई खास फर्टिलाइज़र दिया है। कभी कभी जब मैं अपने पौधों को देती हूँ तो अगर बच जाता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ, और नहीं तो कोई मैं नहीं भी डालती हूँ बहुत बहुत दिन तक, तो भी अच्छे से ग्रोथ करता है। और धूप भी इसको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जहाँ पर ये टंगा हुआ है। हैंगिंग बास्केट में है, ऊपरली तरफ मैंने इसको कोने में टांगा हुआ है, तो वहाँ पर मुश्किल से 1 घंटे ही 1.5 घंटे धूप इसको मिलती होगी। तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल बिना केयर के, बिना धूप के, और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ऐसा पौधा है ये। और इतना सुंदर लगता है चारों तरफ से जो इसमें ब्रांच निकलती हैं, देखिए इस तरह से कितनी लंबी लंबी लटकी रहती हैं, और दिखने में कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हर एक ब्रांच पर इस तरह से छोटे छोटे से पौधे लटके होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसकी हर ब्रांच में देखिए छोटी छोटी सी जड़ें बनी हुई होती हैं, जिनको अगर हम चाहें तो यहाँ से कट कर दें और इसको दूसरी मिट्टी में लगा दें तो हमारा ये एक पौधा बन जाएगा। देखिए सब सब जगह से इसमें रूट्स निकली हुई हैं, तो एक पौधा हमारा ये बन जाएगा। अगर हम इसको भी ऐसे काट के लगा दें, इसमें देखिए कितनी लंबी जड़ बनी हुई है, तो एक पौधा हमारा ये बन जाएगा। बहुत ही आसान है इसमें एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाने। एक पौधा ये बन जाएगा, देखिए इसमें भी चारों तरफ से देखिए कैसे रूट्स निकली हुई हैं। तो जब मेरा मन करेगा मैं इनको अलग अलग करके अलग अलग प्लांट्स बना सकती हूँ। अभी मैं इसके ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनको काट कर अलग लगाऊंगी। देखिए यहाँ से काट देंगे हम तो यहाँ से हम नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और ऊपर वाले को हम अलग लगा देंगे तो वो अलग से रूट्स बन जाएंगी उसमें, क्योंकि ये बहुत लंबे हो रहे हैं ऊपर से, तो हम ऊपर से भी काट कर इनको अलग एक प्लांट बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस एक पौधे से ही हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही इससे इसको भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी छोटी छोटी रूट्स बन रही हैं, तो आप इसको अपने किसी भी गमले में लगा दें तो एक पौधा हमारा ये बन गया छोटा सा। और ऐसे ही इसमें और बहुत सारी अभी नई ब्रांच निकल रही हैं। आप चाहें तो इतने छोटों को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हैंग करती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, चारों तरफ से लटकती हैं, और ऊपर से ये भी लंबा हो रहा है, तो ऊपर से मैं इसको काट के लगा लूँगी दूसरे गमले में, ताकि यहाँ से इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर ऊपर वाला जो पौधा है वो हमारा एक नया पौधा बन जाएगा। तो 5 हम इसमें से बना सकते हैं, और कम से कम 3-4 इसमें से। तो आप देख लीजिए इसमें से इन दो पौधों से हम कम से कम 7-8 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे, और फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जैसे कि पहले हो रही थी। चारों तरफ से ऐसी ब्रांच निकलती हैं और ये इस तरह से लटकी हुई होती हैं। इसको भी हम जैसे जहाँ से भी काटेंगे वहीं से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कितना आसान है एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बनाना। और ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है क्योंकि फुल बिल्कुल ग्रीन रहता है, और इस तरह से चारों तरफ से इसमें ब्रांच लटकी हुई होती हैं, छोटे छोटे से ऐसे ये पौधे से लटके होते हैं चारों तरफ, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख लीजिए इसको ढंग से। जब आपको अगर ये कहीं भी दिखे तो आप इसको बेचिंता ले लें और कहीं पर भी हैंग करें, चाहे आप इसको इंडोर भी हैंग कर सकते हैं या फिर आउटडोर। और ना ही पानी की इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत है, और ना ही इसको ज़्यादा देखभाल की, ना ही फर्टिलाइज़र की, ना ही स्पेशल मिट्टी की। तो
तो इतना अच्छा ये पौधा है, मेरे जितने भी हैंगिंग बास्केट लगी हुई हैं उन सब में सबसे कम केयर वाला ये पौधा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।